हाय गाइस वेलकम टू दरअ चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट वन है क्लास अलेवन बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ध्यान से देखिएगा चलिए लेट्स बिगिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं अगर आप चाहते हो कि आपको सारे वीडियोज़ दिखाई दें पूरे चैनल का अगर आपको एक्सेस चाहिए इसके लिए आपको हमारी मेबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी मेबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है इसका पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया है तो वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है लिंक पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें पूरा ढंग से मैंने डिस्क्राइब किया है कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और मेंबरशिप ज्वाइन करने से कौन कौन से वीडियोस आपको दिखाई देंगे तो पूरा आप उसको तसल्ली से देख लीजिए अगर आपको ठीक लगे उसके बाद आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं फिर हम इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं हम लोग फेसबुक पर मौजूद हैं दो जगह आप जुड़ सकते हैं हमसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक्सक्रिटरी सिस्टम तो जब हम बात करेंगे एक्सक्रिटरी सिस्टम के तो सबसे पहले चीज़ आती है कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है मतलब क्या चीज जो है एक्सक्रेटरी देखो जनरली एक्सक्रेटरी सिस्टम क्यों होता है इसीलिए होता है ताकि जो भी आपकी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंका जाए ठीक है तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर फेंकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम से तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ठीक है तो जब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स की बात आएगी तो तीन सबसे बड़े मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के जिनको बॉडी में नहीं रहना चाहिए जिनको बॉडी से हमें बाहर फेंकना है ठीक है पहला है अमोनिया दूसरा है यूरिया तीसरा है यूरिक एसिड अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड ये अमोनिया है ठीक है तो अब ह्यूमंस में क्या होता है ह्यूमंस में हम अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि देखो जैसे कि अमोनिया है अब अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है ठीक है ये वेरी टॉक्सिक है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है और इसको अगर हमें बॉडी से बाहर फेंकना है इस, इसको अगर हमें बॉडी से एक्सक्रीट करना है ठीक है बाहर फेंकना है अगर इसको हमने बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा ठीक है टू मच वाटर तो अगर हम अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने जाएंगे तो करीबन करीबन हम दस लीटर के आसपास यूरिन हमें पास करना पड़ेगा एक दिन में नॉर्मली हम कितना यूरिन पास करते हैं हम पास करते हैं एक से डेढ़ लीटर यूरिन एक दिन के अंदर लेकिन अगर हमें अमोनिया को बाहर फेंकना है बॉडी से तो हमें दस लीटर के आसपास यूरिन फेंकना पड़ेगा तो 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 उसका मतलब तो एक ही आदमी पूरे वॉशरूम में बैठा रहे ठीक है तो ये पॉसिबल नहीं होता इसीलिए ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि हम अमोनिया को ऐसे एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं फेंकते ठीक है तो अमोनिया से हमारा उसमें जो है ताल्लुक नहीं है ठीक है अब अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन बाहर फेंकता है वो फेंकते हैं फिशेस जो मछली होती है मछली पानी में ही रहती है तो कंटनस उसको पानी मिलता रहता है और कंटनस वो पानी निकाल सकती है तो फिश जो होती है वो डायरेक्ट अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर फेंकती है तो फिशेस को बोलते हैं अमोनोटेलिक जो अमोनिया को डायरेक्टली बाहर एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फेंकते हैं उन्हें बोला जाता है अमोनोटेलिक ठीक है उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है अमोनोटेलिक ह्यूमंस में क्या होता है ह्यूमंस बाहर फेंकते हैं डायरेक्टली मेनली यूरिया ठीक है हम लोग क्या करते हैं जैसे जितना भी अमोनिया अमोनिया ये सारा हमारा यू, यूरिया में कन्वर्ट होता है ठीक है तो हम डायरेक्टली अमोनिया को बाहर नहीं फेंकते हम यूरिया को बाहर फेंकते हैं यूरिया अमोनिया के कंपेरिजन में लेस टॉक्सिक है ठीक है अमोनिया के कंपेरिजन में यूरिया लेस टॉक्सिक है ये इतना पॉइजनस नहीं है ठीक है और ये कंपेरिटिवली कम पानी यूटिलाइज करता है अमोनिया के कंपेरिजन में ये बहुत ज्यादा कम पानी यूटिलाइज करता है ठीक है तो ये इसका बेनिफिट है तो इसलिए हम लोग जो हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिन में वो यूरिया ही है अगर आप देखो ह्यूमन यूरिन की मैं आपको दिखाता हूँ ये ह्यूमन यूरिन है ठीक है ये हमारे ह्यूमन यूरिन की कॉम्पोजिशन है तो अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे तो ये सारे क्या है ये सारे तो आयन्स है ठीक है आयंस 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 आय ठीक है ये सारे हमारे आयन्स हैं सोडियम पोटेशियम ये सब निकलता है यूरिन में उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं मेन यूरिया क्रेटीनाइन और यूरिक एसिड ये तीन मेन प्रोडक्ट हैं जो हमारे ह्यूमन के यूरिन में निकलते हैं सबसे ज्यादा अगर क्या निकल रहा है अगर आप देखोगे तीनों को कंपेरिजन करो ये तो सिर्फ पॉइंट ग्राम है यूरिक एसिड क्रेटनाइन टू ग्राम है मेनली क्या निकल रहा है सबसे ज्यादा हमारा यूरिया निकल रहा है तो अगर आप ह्यूमन यूरिन की कॉम्बोजिशन देखोगे तो सबसे ज्यादा हम यूरिया बाहर फेंकते हैं तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो यूरियोटेलिक हैं ठीक है ह्यूमंस और जितने भी मैमल्स होते हैं ठीक है थीके? जो डायरेक्टली आपका यंग वंस को बर्थ देते हैं तो सारे जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमंस हैं ये सब क्या है यूरियोटेलिक है हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है ठीक है फिर उसके बाद आता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को डायरेक्टली बाहर फेंकते हैं इसमें आती हैं बर्ड्स ठीक है अब इसमें पानी बहुत कम चाहिए होता है और ये कंपैरेटिवली इससे इसके कंपैरिजन में और भी कम टॉक्सिक है इसमें पानी बहुत ज्यादा कम चाहिए होता है तो इसलिए कभी आप देखोगे बर्ड्स uh, वगैरह को अगर आप देखते हो ना बर्ड्स वगैरह अगर आपने स्टूल देखा है बर्ड्स वगैरह की आपने पॉटी देखी है तो वाइट व्हाइट कलर की दिखाई देगी छोटे छोटे दाने होते हैं तो जो व्हाइट व्हाइट है वो यूरिक एसिड ही होता है ठीक है तो बर्ड्स जो होती हैं वो डायरेक्टली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सीधा यूरिक एसिड ही निकालती हैं ठीक है थीके? तो उनको बर्ड्स को बोला जाता है यूरिकोटेलिक तो ये तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म है उसके बेसिस पे इनकी कैटेगरी बना रखी है जो डायरेक्टली अमोनिया बाहर फेंकते हैं जैसे कि फिशेस फिर हम ह्यूमंस हैं ह्यूमंस यूरिया बाहर फेंकते हैं मेनली तो यूरियोटेलिक हैं हम लोग जो बर्ड्स होती हैं वो यूरिक एसिड डायरेक्टली बाहर फेंकती हैं उनको यूरिकोटेलिक बोला जाता है ठीक है तो ये तीन कैटेगरीज हैं इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए ठीक है यूरिन के बारे में डिटेल में हम जब समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है तो उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में एनालाइज करेंगे अभी के लिए सिर्फ आप दे, देख सकते हो कि मेनली अगर मैं बोलूँ तो हमारे यूरिन में होते हैं एक तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सारे हैं। फिर तीन एक एवरेज यूरिन प्रोड्यूस करता है अब हम मेनली आते हैं कि हमारे एक्सप्रेटरी ह्यूमंस में एक्सप्रेटरी प्रोडक्ट्स है कौन से सॉरी ऑर्गन्स कौन से हैं कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन का, का काम करते हैं <laughs> तो सबसे पहले आता है आपका किडनी सबसे मेन तो किडनी है ठीक है फिर आता है यूरेटर जैसे किडनी में किडनी का मेन काम क्या है किडनी का मेन काम है यूरिन प्रोड्यूस करना ठीक है किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है अब सारे वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं यूरिन में अब किडनी से फिर एक एक ट्यूब कनेक्टेड है ये पाइप से कनेक्टेड होता है जो यूरिन को लेकर जाएगा ये यूरिन जाएगा भी तो सही ना बॉडी के बाहर कैसे जाएगा किसी एक पाइप में जाता है तो किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस करा तो यूरिन जाएगा इस पाइप में इस पाइप का नाम है यूरेटर फिर ये पाइप कहाँ लेके आएगा यूरिन को ये लेके आएगा ब्लैडर में इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये दिखाई दे रहा है ये ब्लैडर ये यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर आके यूरिन स्टोर हो जाता है ठीक है इसके अंदर आके यूरिन स्टोर हो जाता है ये एक तरीके की मसल है यूरिनरी ब्लैडर ठीक है फिर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ट्यूब होती है ये ऐसे ठीक है ये ट्यूब है आपकी यूरेथ्रा ये क्या है ये यूरेथ्रा ट्यूब है जो मेल्स होते हैं मेल्स में जो पेनिस होता है उसके अंदर जाती है यूरेथ्रा ट्यूब ट्यूब ठीक है फिर बाहर उसमें से यूरिन निकलता है तो इस तरीके से आप देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है एक आपका किडनी हो गया पहला दूसरा आपका यूरिटर हो गया ठीक है तीसरा आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया चौथा आपका यूरेथ्रा हो गया तो ये ये चीजें आपकी एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाती हैं ये जो यहाँ पे मैं आपको आर्टरी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो वेंस लिखा हुआ है ना इन्फीरियर वेनाकेवा आर्टरी आर्टरी और वेंस एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है तो ये चीज़ कंफ्यूजन आप अपने दिमाग में कभी मत रखना ठीक है इस चीज को थोड़ा सा आप क्लियर करके चलना तो अब थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ डिटेल में थ्री मॉडल ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है क्या होता है ये देखो ये किडनीज हैं एक्सिटरी सिस्टम का पार्ट की बात कर रहे हैं ये किडनी आपकी एक ये रही एक किडनी आपकी ये रही जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ देखो ये लेफ्ट किडनी है ये आपकी राइट right किडनी है फिर ये आपका ये ट्यूब जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ये यूरेटर है ठीक है ये ट्यूब आपकी यूरेटर है ये आपका नीचे ब्लैडर है ठीक है ये यूरिनरी ब्लैडर है ठीक है इस तरीके से आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसे कैसे है और ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है फिर ये ट्यूब जा रही है नीचे यूरेथ्रा ठीक है ये नीचे दिख रही है आपको ट्यूब ये पीली सी ये जो येलो से सिलेक्ट हुआ है इसमें मॉडल में ये देखो ये येलो सा दिखाई दे रहा है आपको पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है ये जा रही है देखो ऐसे पेनिस में चली जाती है ये ये आपका पेनिस है इसमें यह पूरी ट्यूब जा रही है यहाँ से निकल रही है ये यूर ब्लैडर से ये येल्लो सी ट्यूब है ये यूरिन लेके फाइनली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है तो इस तरीके से चलता है ठीक है ऊपर किडनी है फिर आपका किडनी से यूरिन बन के आया यूरेटर में यूरेटर से फिर आके ब्लैडर में स्टोर हो जाता है फिर ब्लैडर से आगे ये यूरेथरा में चला जाता है यूरेथरा ये ट्यूब ये रही ठीक है तो ऐसे आप देख सकते हो ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है अब फिर बात ये आती है कि किडनी हमारी स्टोर कहाँ पे होती है ठीक है कहाँ पे हमारी किडनी स्टोर होती है मतलब सॉरी बॉडी में लोकेटेड कहाँ पे है गलत वर्ड यूज किया मैंने स्टोर लोकेशन कहाँ पे है किडनी कहाँ पे लोकेटेड है देखो किडनी आपकी यहाँ पे लोकेटेड है ये किडनी क्या वैसा सेक्शन बना दिया ऐसा नहीं दोनों किडनी बराबर ही होती हैं आपको डायग्राम में लग रहा होगा कि ये वाली किडनी बड़ी दिखाई दे रही है लेफ्ट वाली और ये छोटी को दिखाई दे रही है क्योंकि वो

तो आप ये देखो ये किडनी है इस किडनी को ये कवर कर रही है रिब्स ठीक है ये देखो ये आपकी ग्यारहवीं रेब है ये आपकी बारहवीं रेब है तो इलेवेंथ और जो ट्वेल्थ रेब है ठीक है एक्चुअली में फ्लोटिंग रिब्स होती हैं तो ये रिब्स जो होती हैं ये आपकी किडनी को कवर करती हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं आप देख सकते हो ये कैसे किडनी ने किडनी को इन्होंने प्रोटेक्ट करा हुआ है ठीक है इस साइड भी अगर आप देखोगे इस वाली किडनी को तो ये वाली रिब ने और ये वाली रिब ने ये येल्लो सेलेक्ट कर रहा हूं ना ये रिब्स हैं ठीक है ये देखो ये रिब्स हैं ये रिब्स हैं ये रिब्स ने किडनी को प्रोटेक्ट कर रखा है किडनी हमारे पीछे की तरफ साइड होती है थोड़ा बैक की साइड ज्यादा होती है ठीक है तो बहुत बार लोगों को कई बार बैक में पेन होता है तो वो पेन किडनी का होता है ठीक है तो पेन एक्चुअल में बहुत बार बैक का नहीं होता जिसको नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मेरी स्पाइन स्पाइन इसमें मेरी वर्टेबरे में प्रॉब्लम हो रही है ठीक है लोग कहते हैं ना मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो रही है मेरे को बैक में पेन हो रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पेन बैक का नहीं होता वो बहुत बार किडनी का पेन हो जाता है ठीक है क्योंकि किडनी की लोकेशन है वो पीछे की तरफ है थोड़ा सा ठीक है अगर आप ऐसे देखोगे ना तो थोड़ा पीछे की तरफ ज्यादा लोकेटेड ये तो ये देखो इसको ये से प्रोटेक्टेड होती है ठीक है बाकी बता किडनी के ऊपर ना फैट भी होता है वो फैट इसलिए होता है इसमें दिखाया नहीं है डायग्राम में वैसे बता रहा हूँ किडनी के ऊपर फैट भी होता है ताकि आपको कभी कोई इंजरी होती है ठीक है जैसे आप एक्सीडेंट हो रहा है या कभी <coughs> कुछ ऐसा सीन जहाँ पे ऐसा हो गया जहां पे आपको इंजरी होने के चांसेस हैं तो फैट जो किडनी के ऊपर होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी किडनी को ठीक है अब हम किडनी के अंदर देखेंगे किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये देखेंगे आप किडनी में एक तो होता है भार वाला हिस्सा ठीक है जैसे ये पूरा जो है ये पूरा जो येल्लो में दिखाई दे रहा है अभी आपको पूरा जो येल्लो येल्लो में दिखाई दे रहा है आपको ठीक है जो मैं सेलेक्ट करा है एरिया है देखो दोबारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया तो ये पूरा जो भार बार वाला एरिया है ये है कॉटेक्स क्या है ये ये कॉटेक्स का एरिया है रीनल का मतलब होता है किडनी रीनल वर्ड अगर यूज हो रहा है तो समझ लो किडनी है तो ये किडनी के बाहर का हिस्सा है इसे हम बोलते हैं कॉटेक्स ठीक है ये पूरा आपका ये जो ये बना हुआ है जो पूरा येल्लो येलो सारा दिखाई दे रहा है जो मैं सेलेक्ट किया ये रीनल कॉटेक्स है ठीक है फिर अब होता है एक अंदर वाला पार्ट ठीक है वो उसको हम बोलते हैं मेड्यूला ठीक है इन जनरल भी आप देखोगे हमेशा बायोलॉजी में कॉटेक्स का मतलब होता है बाहर वाला पार्ट अंदर वाला पार्ट होता है मेड्यूला तो मेड्यूला कौन सा है ये आपका मेड्यूला है ठीक है ये इसको रीनल पिरामिड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये, शेप का होता है, लेकिन ये आपका पूरा मेड्यूला है ठीक है तो यह सेलेक्ट कर रहा हूँ ये, ये, ये आपका क्या है ये मेड्यूला वाला पार्ट है इसको पिरामिड भी बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर इसका पिरामिड शेप का है ये पैरामिड का शेप का है ठीक है कहानी अब और फिर क्या होता है देखो ये क्या होता है ये यहाँ पे यूरिन का जैसे पूरा यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया अब ये यूरिन ना थोड़े ट्यूब्स में कलेक्ट होते हैं कुछ पतली पतली ट्यूब्स होती हैं तो देखो जो पतली पतली सी ट्यूब्स हैं जैसे यहाँ पे निकल रही हैं ठीक है ठीके? तो ये तो है माइनर कैलेक्स ये इसमें होता है ठीक है ये इसमें दिखा रहा हूँ मैं ये माइनर कैलेक्स होता है ट्यूब्स होती हैं जिसमें यूरिन बन के कलेक्ट होता है फिर ये ट्यूब्स आगे जाके बड़ी ट्यूब्स बन जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स जैसे ये आपको ये डायग्राम में दिखा हुआ है ये मेजर दिखा हुआ है तो ये मेजर कैलेक्स है ये पूरा ये आगे वाला है ठीक है माइनर है जहाँ छोटी छोटी सी ट्यूब्स निकल रही हैं जहाँ पे यूरिन बन बन रहा है आपका कलेक्ट हो रहा है छोटी छोटी ट्यूब माइनर है फिर ये छोटी छोटी ट्यूब जाके आगे माइनर कैलेक्स बड़ी हो जाती है तो फिर ये बन जाती है मेजर कैलेक्स समझ में आ गया और ये वाला जो हिस्सा है पीछे वाला जो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये देखो एक सेकेंड ये।, ये 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 रीनल पेलविस है जो येल्लो सेलेक्ट हुआ है ना ये पूरा है रीनल पेलविस ये पूरा क्या है पेलवे रीनल पेल्विस वाला एरिया है येल्लो से समझ में आ गया फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट है ये जितने भी नीली नीली दिखाई दे रही है ये सब क्या है ये हैं ठीक है थीके? ये कौन सी वेन है ये रीनल वेन्स हैं ये डी ब्लड लेके जाएंगी किडनी में से बाहर ठीक है और किडनी में जो ऑक्सीजेटेड ब्लड लेके आती है आर्टरी उसका नाम होता है रीनल आर्टरी ये वाली देखो ये जो मैंने सेलेक्ट करी है ना रेड रेड ये देखो दोबारा दिखाता हूँ जितनी भी लाल दिखाई दे रही है ना पीछे ये देखो ये रेड ये रीनल आर्टरीज हैं ठीक है थीके? पूरी रीनल आर्टरी है अब आर्टरी है तो आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है तो वेन भी होंगी जो वापस डी ब्लड लेके जाएंगी वो कौन सी है? ये ब्लू वाली ये देखो मैंने अब सेलेक्ट करी है ठीक है तो ये सारी वेन्स है तो जो अंदर आती है, है, है समझ में आ गया फिर आप ये देख सकते हैं ये यूरेटर है ये ऐसे कनेक्टेड है ठीक है तो इस तरीके से ये मैंने आपको किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया अब जो किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन क्या होती है वो होती है नेफ्रॉन एक किडनी में अराउंड दस लाख के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं एक किडनी में अराउंड होते हैं जैसे कि मैंने आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखा दिया किडनी का ठीक है लेकिन एक किडनी में ठीक है एक किडनी में अराउंड दस लाख के आसपास नेफ्रॉन्स हैं। तो किडनी की जो मेन फंक्शनल यूनिट है फंक्शनल यूनिट मतलब जो सबसे ज्यादा काम करने वाली यूनिट है किडनी में जो मेन यूरिन प्रोडक्शन का काम कर रही है वो है नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं अराउंड दस ,00 लाख के आसपास नेफ्रॉन समझ रहे हो आप दस ,00 लाख के आसपास नेफ्रॉन है टोटल तो कितने 20 ,00 तो इतने छोटे होते हैं माइक्रोस्कोप से दिखते हैं ऐसे ही दिखते हैं कि आप आंख से देख लोगे माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत तो क्योंकि देखो इतनी सी छोटी सी तो किडनी है यार इस छोटी सी किडनी में अगर दस लाख ,00 नेफ्रॉन कैसे फिट कराओगे तभी फिट कराओगे जब बहुत छोटे छोटे होंगे तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं समझ के मैं आ गया अब हम इन नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किडनी अच्छा एक चीज और ध्यान रखना नेफ्रॉन को कहीं बच्चे न्यूरोन से वो कर देते हैं कंफ्यूज न्यूरोन ब्रेन का पार्ट है नर्वस सिस्टम का है ठीक है न्यूरॉन्स जो होते हैं न्यूरॉन्स की स्पेलिंग ऐसे होती है तो जो न्यूरॉन्स हैं ये पार्ट है आपका नर्वस सिस्टम का ठीक है ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड का ये इन सब का पार्ट है नर्व्स का न्यूरॉन्स जो के डॉक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट क्योंकि तो नेफ्रॉन जो होता है वर्ड अपने आप में बना ही इससे है कि किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट है तो कंफ्यूजन मत करना कभी भी न्यूरोन और नेफ्रॉन में ठीक है न्यूरोन आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है नेफ्रॉन आपका किडनी का पार्ट है अब हम जो किडनी की मेन यूनिट है नेफ्रॉन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है ठीक है किडनी के बारे में समझा ये, ये के भैया ये बाहर वाला क्या है अंदर वाला क्या है ठीक है ये आपने समझ लिया है अब हम थोड़ा सा इसका आ, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझते कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ठीक है थोड़ा सा हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं देखो नेफ्रॉन की बात करूं तो ये आप देख सकते हो नेफ्रॉन ये जैसे किडनी है ठीक है अब किडनी में जैसे मान लो ये वाला एरिया है ठीक है इसमें बहुत सारे जैसे कि अब हमारे इसमें पूरे किडनी में आपको पता है कि सब जगह नेफ्रॉन भरे पड़े हैं ठीक है थीके? दस एक किडनी में दस लाख के आसपास नेफ्रॉन है अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसका इसको बड़ा कर रहा हूँ नेफ्रॉन को दिखा रहा हूँ आपको तो अगर आप एक नेफ्रॉन देखने जाओगे तो नेफ्रॉन ये पूरा आपको इस तरीके से दिखाई देगा हमने इसको बड़ा कर दिया इस छोटे से एरिया को लिया ठीक है एक नेफ्रॉन का निकाल लिया है तो ये ये पूरा आपका जो ये दिखाई दे रहा है ना पूरा ये पूरा एक समझ लो नेफ्रॉन का पार्ट है एक नेफ्रॉन का हिस्सा है ये ठीक है तो नेफ्रॉन अंदर से कैसे देखता है ये हम अब देखेंगे देखो नेफ्रॉन की जब बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आ रही हैं पहला आता है इसमें आपका ग्लोमरस ठीक है ये जो लिखा हुआ है ग्लोमरस ठीक है दूसरा आता है इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स ठीक है तो ग्लोमरस ये रहा ये वाला ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्स हैं जो ट्यूब्स होती है ना सारी रीनल का मतलब किडनी हो गया ट्यूबुल्स मतलब ट्यूब जैसी हैं ठीक है तो ये दो चीजें बनाती है मेन आपका नेफ्रॉन अब पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसे है पहले मैं आपको ट्यूबुल्स के बारे में बता देता हूँ देखो आपको पता है कि रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है ठीक तो है तो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है ठीक है यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया ठीक है पूरा यहाँ पे आ गया ये ये जो ब्लड का जो ऐसे ये कैपिलरीज का जो गुच्छा बन रहा है ना ये पूरा जो गुच्छा बन गया भैया आया है पूरा यहाँ पे इसने ऐसे कैपिलरीज बना दी गुच्छा सा बना दिया तो ये जो गुच्छा बना है ब्लड वेसल्स का इसे बोलते हैं ग्लोमरस समझ में आ गया ऐसे क्या बोलते हैं ग्लोमरस बोलते हैं अब ये गुच्छा जहां पे बना है ये कहां बना है ये बना है एक तरीके का ना ऐसा ऐसा होता है ये ऐसे ये कैप्सूल टाइप का होता है ठीक है

पहली ट्यूब कौन सी है ये जो बड़ी जो ग्रुप बन रहा है इसे बोलते हैं प्रोक्सीमल कॉन्वेलेटेड ट्यूबुल अब क्यों बोलते हैं प्रोक्सीमल प्रोक्सीमल का मतलब होता है कोई भी चीज जो पास होती है कोई भी चीज जो पास होती है उसको प्रोक्सीमल बोलते हैं ठीक है कॉन्वलेटेड मतलब एक तरीके से कर्व टाइप की है कर्ल करल है जैसे कर्ल होता है ना करली बाल होते हैं आदमी के करली करली बाल होते है। हैं घूमते रहते हैं करली करली तो एक तो ये पास है किसके पास है बाउमेंस कैप्सूल के पास है बाउमन कैप्सूल के पास है इसलिए प्रोक्सीमल वर्ड यूज किया है टेड का मतलब क्या हुआ करली टाइप का ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब टाइप की है ठीक है तो नियर है बॉमेन कैप्सूल के करली सी करली सी ट्यूब इसका नाम प्रोक्सीमल शॉर्ट फॉर्म में ठीक है एक तो ये हो गया फिर ये नीचे बनता है एक लूप टाइप का इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं लूप भी बोला जाता है तो लूप ऑफ है ठीक है ये नीचे बन गया आपका ये पूरा बनना ना ये ऐसे ये ट्यूब सी आ रही है ये ये पूरी ये ट्यूब सी बन है ये क्या है आपका ये स का ल्यूप है ठीक है ये जो दिखाई दे रहा है ना लाइट ब्राउन कलर का ये, ये लाइट एक ट्यूब का नाम है, का मतलब होता है दूर डिस्टल मतलब दूर तो किससे दूर है बाउमन कैप्सूल से दूर है तो इसलिए नाम डिस्टल है ठीक है ये दूर है ठीक है डी से डिस्टल डी से दूर ठीक है डिस्टल मतलब होता है कोई चीज जो डिस्टेंस पे है दूर है हमसे

ये तो रीनल आर्टरी है सब जगह आर्टरी आर्टरी है जो यहाँ पे सब जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ठीक है ये जो ब्लू वाली है ये रीनल वेन है दिख रहा है ये जो सब जगह ब्लू ब्लू घूम रही है ना ये रीनल वेन है ठीक है ये डी ऑक्सीनेट ब्लड लेके जाएगी हार्ट की तरह, तरफ तरफ समझ में आ गया ना आर्टरी भी है वेन भी हैं अब थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ कि ये जो ग्लोमरस है ये और कैसे होता है देखो ग्लोमरस में क्या होता है दो तरह के जो अंदर लेके आता है जो देखो मैंने बोला था ना ग्लोमरस क्या है ब्लड वेसल्स का गुच्छा है ठीक है तो अब इसमें भी दो दो ब्लड एक तरीके से वो आ रही हैं वेसल्स आ रही हैं पहली तो होती है एफरेंट आर्ट्रीओल ठीक है क्योंकि आर्टरी है आर्टरी तो लेके आई थी ना पीछे ब्लड कौन लेके आता है यहाँ पे आर्टरी लेके आ रही थी ना अब आर्टरी आपको पता है जब आगे जाके क्या बन जाती है आर्ट्री बनती है मैंने आपको बायो में बताया हुआ है जब भी चीजें छोटी होती जाती है उनको आगे ओल लगता जाता है जैसे ब्रोंकिया है बड़ा होता है छोटा होता है तो ब्रोंकिओल हो जाता है ऐसी आर्टरी है आर्टरी बड़ी होती है छोटी होती है तो आर्ट्रीओल हो जाता है ठीक है तो अभी आगे जाके ये आपका वॉर्मेंस कैप्सूल है इसमें ग्लोमरस है तो ये रीनल आर्टरी जब आगे जाएगी तो छोटी हो गई तो इसको आर्ट्रीओल बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये बन गई एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आती हुई आर्ट्रीओल ठीक है अब ये ऐसे ही रहा यहाँ पे ठीक है अब बाहर जो निकलती है इसे फिर यहां से ना बाहर भी निकलती है समझ रहे हो ये यहां से बाहर भी निकलती है तो इस जो बाहर निकलती है इसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रीओल ठीक है ये वेन नहीं है ये चीज ध्यान रखना आर्टरी होल है अभी भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे वेन नहीं आई है क्योंकि अभी पूरा काम नहीं हुआ है अभी इसका काम है यहाँ पे जो काम होता है यहाँ पे सिर्फ मेनली काम होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया यूरिन का फॉर्मेशन हो गया लेकिन आर्टरी का एक काम और भी है यहाँ पे आर्टरी का मेन एक काम और क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करना तो अभी इसने सब जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करी है तो इसलिए यहाँ पे भी आर्टरी आ रही है अंदर और यहाँ पे भी आर्टरी बाहर जा रही है मतलब आर्ट्रीओली यहाँ पे भी अंदर जा रहा है यहाँ पे भी आर्ट्रीओली बाहर आ रहा है वेन वेन ऐसा नहीं कि बाहर आ रही है आर्टरी अंदर जा रही है तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ भी आर्ट्रीओल है और यहाँ पे भी आर्ट्रीओल है अंदर भी ऑक्सीडेटेड ब्लड जा रहा है बाहर भी ब्लड ही आ रहा है तो अभी यहाँ पे वेन नहीं है ठीक है तो ग्लोमरस ऐसे नहीं है कि वेन से बना हुआ है ग्लोमरस में पूरा क्या है आर्ट्रीओल ही है तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है तो ग्लोमरस किससे बना है एफ्रेंट आर्ट्रीओल ब्लड लेके जा रही है अंदर और एफरेंट ईफ्रेंट आर्ट्रीओल जो ब्लड बाहर लेके आ रही है ठीक है जो बाहर लेके आती है उसे ई फ्रेंट बोलते हैं ठीक है थीके? तो अंदर जाके पूरा ऐसे ब्लड वेसल्स बना लेते हैं अलग अलग गुच्छा टाइप का बन जाता है जैसे ग्लोमरस बोलते हैं ठीक है नीचे आपको पता ही है क्या है मैंने बता दिया था ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है ठीक है इस तरह समझ में आ गया अब थोड़ा सा आप देखो देखो ये आप इसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये आपका क्या है ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है ठीक है ना ये आपकी क्या गई ये आपकी एफ्रेंट आर्ट्रीओल गई ये आपका ग्लोमरस बन गया ये क्या है ये ई फ्रेंट आर्ट्रीवल है ठीक है तो ई फ्रेंट आर्ट्रील जाके मैंने बोला था ना अभी ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करी है इसने ये तो भाई सिर्फ अभी तो, तो सिर्फ देखो अंदर लेके गया था ना ये अभी सब सब, सब, सब जगह ऑक्सीजन का प्रोवाइड हुई है तो इसीलिए यहाँ से ई फ्रेंट आर्ट्रीवल बाहर निकलता है वेन नहीं निकली क्योंकि अभी सब जगह ऑक्सीजन दे रही है ना तो ई फ्रेंट आर्ट्रीवल देखो ऐसे जाएगी ये सब जगह वेन ये सब जगह क्या दे रही है ब्लड देती हुई जाएगी ये जिस जहां जहाँ ब्लड देना है ब्लड दे देगी ठीक है तो रेड रेड सारा ये देती हुई जा रही है ये क्या ऐसा है ये आपका पी सी टी है ये क्या है हेडलेस लूप है ये क्या है आपका डीसीटी है यह क्या है आपका यूरेटर है और यह क्या है आपका रीनल वेन है ठीक है एक बार मैं आपको आर्टरी रीनल आर्टरी रीनल वेन और दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको समझा रहा था अभी ठीक है तो हम ये ले लेते हैं ये देखो अगर आप देखेंगे ये देखिए ये एवटा है ठीक है यहाँ से आपकी आर्टरी बनेगी रीनल आर्टरी ठीक है तो एटरा है ये रही अब ये मैं इसे पीछे दिखाता हूँ आपको आप समझ में आ रहा है ये आपको पता है ये हमारी क्या है ये लंबर दिखा दिया ये रेड वाली जो है हमारी एटा है ठीक है ये तो लंबर इसने पीछे का दिखा दिया है ये ओटा है ये वाली जो आप देखोगे इसको हम ऐसे करते हैं ये देखो ये रीनल आर्टरी है दिख गया ये दिखाई दे रहा है ये जहां पे मेरा अभी ये कर्सल चल रहा है ये देखो ये वाला ये मैं सेलेक्ट किया ये रीनल आर्टरी है ठीक है ये क्या है आपका इसको हाइट कर देते हैं हम ये दिक्कत दे रहा है यहां पे हमने हाइट किया अब देखिए ये एवटा है जो मैं सेलेक्ट किया दिखाई दे रहा है आपको पूरा ये एवोटा है जो मेन आपकी आर्टरी होती है जो हार्ट से ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है और एवटा से फिर क्या निकल गई रीनल आर्टरी मैंने सेलेक्ट करिए अभी ये दिख रहा है आपको ये आपकी एवटा है जहां मेरा कर्सर है पूरा और अब जहां मेरा कर्सर आ गया ये आपकी क्या है रीनल आर्टरी ठीक है अब इधर देख लेते हैं अब हम वेन्स की बात करते हैं ये कौन सी वेन है ये आपकी इन्फीरियर वेनाकेवा जो नीचे सारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट की तरफ ठीक है नीचे से मतलब नीचे से मतलब जो आपके हार्ट के नीचे से जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से जो डी ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती है वो कौन सी होती है वेना कावा होती है इन्फीरियर कावा तो ये इन्फीरियर कावा है ठीक है दोबारा दिखा रहा हूँ ये नीला नीला दिखाई दे रहा है पाइप पूरा ये इन्फीरियर कावा है ठीक है तो ये यहाँ पे क्या होगा ये आपकी वेन है ये वाली दिखाई दे रही है जो मैंने अभी सेलेक्ट करूंगा ये 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 देख यहाँ हमारे कर्सर है अभी देखो ठीक है ये देखो ये ये है ना ये आपकी रीनल वेन है ये रीनल वेन आके देखो मैं सेलेक्ट करी ये रीनल वेन है ये रीनल वेन पूरी ये देखो कर्सर ये पूरा ये रीनल वेन है ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है ये रीनल वेन आके फिर इसमें मिल जाती है आपकी इन्फीरियर वेन आके में ठीक है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा आप दोबारा ये ऐसे देख सकते हो ठीक है तो किडनीज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का ये देखो ये रीनल आर्टरी है ये एवटा है ये इन्फीरियर वेना कावा है और ये रीनल वेन है ठीक है तो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको पूरा बताया है तो आई होप गाइज आपको ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं